लोकसभा चुनावों के लिए तीसरे चरण की आज वोटिंग हुई, तो हम यहाँ बात करेंगे संभल सीट की, जो लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव हो जब भी हो, उत्तर प्रदेश की बहुत ही संवेदनशील सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, फर्जी वोटिंग की खबरें आना तय है, आम हो गया है। उसी तरह से इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया, और इस वीडियो के बाद से कहा जा रहा है कि फर्जी वोटिंग का जो गैंग है उसमें अब छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी शामिल किया जा रहा है। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है ये मात्र 12 साल की है, और ये जो बच्ची है ये 40 साल की महिला का वोट डालने पहुंच गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद से यूपी की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि संभल सीट पर इस बार फर्जी वोटिंग को लेकर पहले से ही पुलिस काफी एक्टिव थी, बहुत अलर्ट मोड में थी। ठीक वोटिंग से एक दिन पहले ही पुलिस ने फर्जी वोटिंग के मामले में, जो पिछले चुनावों में जिन जिन मुस्लिम महिलाओं के नाम आए थे उनमें से आधी दर्जन लगभग महिलाओं को बाकायदा पुलिस स्टेशन बुलाया था, उनको चेतावनी दी थी, उनको समझाया था कि जो है फर्जी वोटिंग के मामलों में इस बार आप नहीं पकड़े जाने चाहिए, फर्जी वोटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर फर्जी वोटिंग करते हैं तो जिन प्रत्याशियों के लिए आप फर्जी वोटिंग करते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं और बाद में आप मुकदमों में फंस जाते हैं, वो आपको अब पूछते भी नहीं। इस तरह के ब्रेन वॉश जो है पुलिस ने करने की कोशिश भी की थी, समझाने की कोशिश की थी कि इस तरह के मामलों में अगर आप इस बार पकड़े जाते हैं तो आप पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतनी तैयारी के बावजूद, इतनी चेतावनियों के बाद भी संभल सीट पर फर्जी वोटिंग के मामले सामने आए, जिसमें से ये जो 12 साल की बच्ची वाला जो मामला है, इस वीडियो ने तो तहलका मचा दिया। बीजेपी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है, खासकर सपा ने जब ये आरोप लगाने की कोशिश की कि बीजेपी मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्हें वोट डालने नहीं दे रही है, उन वोटरों को परेशान कर रही है, उन्हें जो उनकी पर्ची छीन ली जा रही है, तरह तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से जब लगाए गए, तब जाकर बीजेपी ने इस तरह के मामलों को उजागर किया, इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया, और इस वीडियो ने जो है संभल में फर्जी वोटिंग का किस तरह से जो है फर्जी वोटिंग का जो गैंग, एक तरह से कह सकते हैं कि फर्जी वोटर्स जो आते हैं उनका उजागर कर दिया। इस वीडियो ने जो है संभल में फर्जी वोटिंग को एक बार फिर से उजागर कर दिया। इसके अलावा एक और मामला संभल से ही सामने आया था, जिसमें जो है एक मुस्लिम शख्स जब वह फर्जी वोटिंग डालने पहुंचा तो बीजेपी प्रत्याशी ने उसको पकड़ लिया, और उसके बाद उस बूथ पर काफी हंगामा देखने को मिला, काफी गहमा गहमी हुई, हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, दोनों के बीच काफी बहसबाजी हुई, और इस मामले ने भी खूब तूल पकड़ा। पुलिस में जानकारी दी गई, पुलिस ने उस शख्स को पकड़ भी लिया, उसको क्या कहते हैं गिरफ्तार भी किया गया। यानी संभल सीट जो काफी संवेदनशील मानी जाती है, फर्जी वोटिंग के नाम पर नंबर वन सीट मानी जाती है, जहां पर काफी पहले से इस तरह की तैयारियां चल रही थी कि इस बार फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाई जाएगी, जो है बीजेपी ने खुद मुस्लिम महिलाओं को ही मतलब चुना था इस तरह की वोटिंग को रोकने के लिए, तब भी इतनी तैयारी के बावजूद इस तरह के मामले वहां सामने आए। इसलिए अब जानकारों का कहना है कि यही वजह है कि बीजेपी बुरके वाली महिलाओं का या बुरके वाली महिलाओं को लेकर इतना जो है चेतावनी क्यों देती रही है, क्यों बीजेपी को बुरके वाली महिलाओं से आपत्ति रही है।